हेलो एवरीवन, आई एम दिवांशु एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो में मेरा वो रेज्यूमे देखा था जिसे देख के मुझे अमेजोन ने रिजेक्ट कर दिया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट ब्लेम अमेजोन, बट दोस्तों तुम्हारे भाई ने भी हार नहीं मानी। तो भाई तुम्हारा वॉरियर गिव अप करेगा नहीं। और 2.5 साल बाद फिर से ट्राई किया अमेजोन के लिए। व्हेन दे फाइनली सेलेक्टेड मी, वेल डन। अब तुम सोचोगे यार, भाई तुम्हारा इतना बड़ा वॉरियर है तो 2.5 साल क्यों लगा दिए दोबारा अप्लाई करने में। ये बात भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। और मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरा रिज्यूमे दिखाऊंगा। और इस बार हमें कुछ भी फर्जी चीजें ऐड नहीं करनी पड़ी लास्ट टाइम की तरह। इस बार तो इंशाल्लाह काफी चीजें थी जगह भरने के लिए, तो कुछ भी फर्जी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। इवन कॉलेज के प्रोजेक्ट्स भी नहीं डाले यार। व्हाट? एंड लास्ट रिजेक्शन वाला रिज्यूमे देख के काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपना सिलेक्शन वाला रिज्यूमे तो दिखाओ। सो हियर इट इज गाइस, लेट्स लुक एट दिस रिज्यूमे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और गाइस, ये YouTube वाले मुझे आजकल आकर बोल रहे हैं कि यार तुम्हारी ऑडियंस वीडियो देख के चली जाती है और सब्सक्राइब करती है नहीं। 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार, ऐसे देख के चले जाते हो। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। मैंने कहा यार, मैं तो बोलता रहता हूँ, अब लोग कर ही नहीं रहे, तो मेरी क्या गलती है। तो प्लीज यार थोड़ी इज्जत रख लो YouTube के सामने और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, कर दो यार प्लीज। करो ना भाई, जल्दी से 50K सब्सक्राइबर तक पहुँचते हैं और फिर कोई गिव अवे अरेंज करते हैं। तो पहली बात कि इस बार मुझे टेम्पलेट कहाँ से मिला। लास्ट टाइम तो मुझे कॉलेज वालों ने दे दिया था, जो कि मुझे लास्ट वीडियो के बाद आप में से काफी लोगों ने बताया कि ये तो किसी साइट सुपर सेट का डिफॉल्ट रिज्यूमे होता है। बट इस बार मैंने कहाँ से लिया। तो देखो, अगर आप गूगल करोगे मेक रिज्यूमे ऑनलाइन, तो आपको 3-4 वेबसाइट टॉप पे दिख जाएंगी। आई थिंक एक रिज्यूमे बिल्ड, एक ZT, एक नोवो रिज्यूमे। एंड मुझे ऑनेस्टली इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। आपको लोग बोलेंगे कि ये वेबसाइट बेस्ट है, ये वेबसाइट बेस्ट है, ऐसा है वैसा है, मुझे कुछ ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं दिखा। एंड कोई भी ऐसा नहीं है कि ये टेम्पलेट किसी और टेम्पलेट से सुपीरियर है। कोई भी कंपनी आपका रिज्यूमे देख के बोलेगी अरे यार इसने तो वर्टिकल सेक्शंस बना दिए, अब तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा। As long as it's readable and clear, your format does not matter, your template does not matter. सब कुछ clear होना चाहिए और साफ साफ दिखना चाहिए उसमें। तो आप इनमें से कोई भी वेबसाइट पे चले जाओ और जहाँ से भी आपको फ्री में टेम्पलेट मिल रहा है, फ्री में रिज्यूमे आपका बन रहा है, वहां से आप बना लो। किसी को कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, इतने तो आप समझदार हो ही। सो मैंने भी ऐसी किसी वेबसाइट से बनाया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे याद भी नहीं कि कौन सी वेबसाइट थी अब। बट शायद इस बार भी आपको मेरा टेम्पलेट देख के पता चल जाए कि अच्छा ये इससे डाउनलोडेड होगा। सो आपको पता है तो नीचे कमेंट्स में बता दो। सो अब रिज्यूमे एक्चुअली में देखते हैं कि कैसा है। सो आप टॉप लेफ्ट में देखोगे तो सिर्फ नाम लिखा हुआ है काफी बड़ा बड़ा, लेंथ में भी बड़ा है और फॉन्ट साइज में भी बड़ा है। एंड राइट साइड पे आप देखोगे तो एजुकेशन लिखा हुआ है। तो आप इसमें कुछ देखो, आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा और रेदर मिसिंग दिखेगा। अब ध्यान से देखो, दिखा आपको कुछ? दिखा दिखा नहीं दिखा तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, इसमें मैंने कॉलेज का नाम लिख दिया, डिग्री भी लिख दी और लिख दिया कि किस साल में पास आउट हुआ था। बट इसमें मैंने अपना CGPA नहीं लिखा। ये एक्चुअली में मैंने एक गैम्बल लिया था, काइंड ऑफ रिस्क ही था ये। बड़ा हरामी हो बेटा। तो इसके पीछे भी मैं स्टोरी बताता हूँ कि ये मैंने क्यों नहीं लिखे। तो एक बार मैंने कॉलेज में अपने एक सीनियर से पूछा कि क्या हमें अपने रिज्यूमे में अपना कोड फोर्सेस का रेटिंग, कोड शेफ का रेटिंग, हैकर रैंक का रेटिंग, ये सब लिखना चाहिए क्या। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें तभी लिखना चाहिए कि अगर वो लिखने लायक हो, मतलब अगर वो इम्प्रेसिव है तो लिखो। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारी कोड फोर्सेस पे रेटिंग ही 1300 है, कि अगर मैं नया अकाउंट बनाऊं तो उसकी भी डिफॉल्ट रेटिंग ज्यादा होगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो मत लिखो। बट अगर तुम्हारी रेटिंग अच्छी है, इम्प्रेसिव है, आपके रिज्यूमे को वो इम्प्रूव कर रही है, तो आप लिखो। तो मैंने सोचा यार बंदे की बात तो सही है। तो मैंने CGPA लिखते हुए भी सोचा कि यार ये CGPA लिख के मेरा ओवरऑल जो लेवल है रिज्यूमे का वो थोड़ा नीचे ही आ रहा है। सो इसे हटा के देख लेता हूँ। अगर किसी ने पूछा भी इंटरव्यू में तो मैं उन्हें बता दूंगा कि मेरी इतनी CGPA थी। एंड ऑनेस्टली 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद लोगों को इतना कुछ CGPA से फर्क नहीं पड़ता। आपके स्किल्स से ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी CGPA से। 10-12 के मार्क्स कोई नहीं पूछता। आई डोंट रियली रिकमेंड इट कि आप ऐसा करो, बट ये मैंने जस्ट एक गैम्बल लिया था। देन लेफ्ट में देखोगे आप, एक छोटा सा सेक्शन है पर्सनल इन्फो का। तो इसमें पहले फ़ोन नंबर है, ईमेल है। अगेन, जब आपको वो रिजेक्ट करेंगे तो बताने के लिए कुछ तो सोर्स चाहिए ना। एंड नेक्स्ट है जो हमने मेजर लर्निंग ली है लास्ट रिज्यूमे से, रिजेक्शन वाले रिज्यूमे से। सो वो है एड्रेस सेक्शन। तो आप देख रहे हो इस बार सिर्फ 2 लाइन में निपटा दिया एड्रेस सेक्शन। पिछली बार की तरह जगह भरने के लिए पूरा इतना बड़ा सेक्शन नहीं दिया अलग से। और ये एड्रेस मैंने ब्लर नहीं किया क्योंकि मैं अब यहाँ रहता नहीं हूँ। एंड जनरली ऐसा थोड़ा सा एक छोटे से सेक्शन में एड्रेस लिख देना चाहिए, क्योंकि फिर कंपनी को आपके रिलोकेशन का भी सोचना होता है आपके करंट लोकेशन के अकॉर्डिंगली। तो ये यहाँ पे लिख देना चाहिए थोड़ा सा। एंड इस सेक्शन में अगर आपके पास अपना कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है, कोई ब्लॉग है, कोई गिटहब है, तो वो भी यहाँ पे आपको लिख देना चाहिए इसी सेक्शन में।
देन इसके नीचे सेक्शन आता है स्किल्स का। देखो ढाई साल में दो अलग अलग कंपनीज में काम करके, इतने अलग अलग टेक स्टैक्स में काम करके बहुत सारे स्किल्स हमें आ जाते हैं। तो इसमें मैंने अराउंड टोटल 10 स्किल्स लिख दिए। लिखने को मैं और भी लिख सकता था, बट फिर क्या होता है कि अगर हम ज्यादा लिख देते हैं ना तो इंटरव्यूअर को लगता है कि यार ये इसने फालतू में लिख रखा है, इतना इसे पता होगा नहीं। सो इंटरव्यूअर कई बार इस मोड में आ जाते हैं कि अब इसको तो अब रिजेक्ट करना ही है, ये जो इसने इतना कुछ लिख रखा है हम इसी पे इसे डील करेंगे, इसी पे क्वेश्चंस पूछेंगे। ये फंस गया सी है। अगर आप बहुत कम लिखोगे तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि इसे तो कुछ आता ही नहीं है, ढाई साल हो गए इसके पास तो कोई स्किल्स ही नहीं है, पहली फुर्सत में निकाल। तो एक बैलेंस्ड वे में जिन चीजों में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो सब लिख देनी चाहिए इसमें। तो मैंने अपने टाइम पे क्या लिखा था, फर्स्ट इज रूबी ऑन रेल जिसमें मैंने ओयो में काम किया था, रिएक्ट डक्स जिसमें भी मैंने ओयो पे काम किया था, तो ये सब चीजें मुझे काफी फ्रेश थी मेरी मेमोरी में। नोट जीएस मैंने ग्रेड अप में किया था, जावा मैंने ओयो में किया था, पाइथन मैंने ग्रेड अप में किया था, रैबिट एम क्यू मैंने ग्रेड अप में किया था, रेडिस मैंने दोनों में किया था, माई सीक्यूएल दोनों में किया था, पोस्टग्रेस भी दोनों में, एंड नो सीक्यूएल भी दोनों में। काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपसे डायरेक्टली इन पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हैं कंपनीज। तो जो भी आप लिखोगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अच्छे से कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें। एंड देन इसके बाद सिर्फ एक ही सेक्शन बचता है और एंड वो रेज्यूमे का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कंपनीज आपका नाम बाद में देखेंगी और ये सेक्शन पहले देखेंगी। And this section is employment history. So employment history में क्या क्या लिखना है? So आप decreasing order से start करो, जो आपकी सबसे recent company है उसको top पे लिखो और उसके बाद आपकी पुरानी companies उस order में लिखते जाओ और नीचे internship वाली company लिख दो। So I would argue that जो आपका सबसे recent company वाला subsection है that is the most important area in your resume, क्योंकि जो भी आपने उस section में लिखा होगा कि मैंने ये projects किए, ये मैंने काम किया, companies उसके बारे में आपको काफी कुछ पूछेंगी। मुझे पर्सनली काफ़ी कुछ पूछा गया था, जो मेरा प्रोजेक्ट था उसका मुझे व्हाइट बोर्ड पे पूरा उन्होंने आर्किटेक्चर ड्रॉ करवाया था एंड उस पर क्वेश्चंस पूछे थे कि ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों नहीं किया, तुम्हारा प्रोजेक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन था, तुम्हारी टीम में कितने लोग थे जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया था, कितना टाइम लगा ये बनाने में, काफ़ी चीज़ें मुझे पूछी गई एक घंटे तक। सो जो भी आपकी कंपनी है कंपनी का नाम लिखो, उसमें जो आपका रोल था वो लिखो और नीचे एक समरी लिखो कि आपने वहाँ पे क्या क्या किया। एंड जो आपकी सबसे रिसेंट कंपनी होती है उससे आपके करंट स्किल्स के बारे में सबसे ज़्यादा पता चलता है कि अभी आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, अभी आप कहाँ स्टैंड करते हो। एंड सिमिलरली मैंने जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी उसके बारे में भी लिख दिया, उसमें भी मैंने काफ़ी काम किया था, तो इसका सेक्शन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया बट जो भी था वो मैंने लिख दिया। एंड नेक्स्ट जो मेरा इंटर्नशिप वाला कंपनी था वो तो आपको पता ही है लास्ट वीडियो से, नॉर्टन एंटीवायरस वाली कंपनी, सो उसके बारे में भी मैंने लिख दिया। सो अब आप सोचोगे कि यार मैंने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं लिखे, तो देखो मैंने पहले भी आई थिंक काफ़ी बार इम्पैक्ट की बात की है। तो आप जो भी किसी कंपनी में काम करते हो, चाहे वो फुल टाइम रोल है चाहे वो इंटर्नशिप है, तो जो उसका इम्पैक्ट होता है वो आपकी कॉलेज के प्रोजेक्ट से कुछ नहीं होता, क्योंकि कंपनीज में लिटरली आपके काम से लाखों और करोड़ों का इम्पैक्ट होता है, और जो आप कॉलेज में करते हो उससे शायद आपका खर्चा ही थोड़ा होता होगा बट काफ़ी कम चांसेस हैं कि आपका कुछ प्रॉफिट होता होगा या कुछ इम्पैक्ट होता होगा। बट अगर आपने कुछ ऐसा किया है सही में, कोई आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है, कोई आपका साइड प्रोजेक्ट है जो कि पब्लिकली अवेलेबल भी है एंड उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी था, तो वो आप लिख सकते हो इस रिज्यूमे में, दैट विल रियली लुक गुड। अगर आपने अपनी कंपनी में शायद इतना काम नहीं किया, आपको फॉर सम रीजन कंपनी में इतना काम नहीं मिलता कि आपके पास इतना कुछ हो, तो आप अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स या अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स, अपने साइड प्रोजेक्ट्स बना के वो इसमें लिख सकते हो। सो कंपनीज उसके बारे में बात करेंगी आपसे इंटरव्यू में। एंड अगेन मेक श्योर कि वो पब्लिकली अवेलेबल हों किसी डोमेन पे, ताकि आप उन्हें दिखा सको वहाँ पे। हाँ, और एक बात तो हम करना भूल ही गए, रुको जरा सबर करो, कि मैंने ढाई साल तक क्यों नहीं दोबारा अमेजोन के लिए अप्लाई किया। तो देखो एक साल तक मैंने काम किया पहले ग्रेड अप में, विच इज अ पार्ट ऑफ टाइम्स इंटरनेट। तो ग्रेड अप एक स्टार्टअप था जिसमें अराउंड 10-15 इंजीनियर्स थे उस टाइम पे, एंड मुझे वहाँ पे काम करके मजा आया, काफी कुछ मैंने वहाँ पे सीखा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अब अमेजोन में अप्लाई करूंगा तो मैं एज एन SDE 1 ही कर सकता हूँ, और फिर मुझे SDE 2 बनने में 1.5-2 साल और लग जाते। सो मेरा ये मानना था कि अगर मैं अब से 1 या 1.5 साल बाद अप्लाई करूंगा देन आई कैन गो फॉर SDE 2 डायरेक्टली, बट अगर मैं अमेजोन में अभी जाऊंगा तो मुझे वहां पे जाके फिर प्रमोशन के लिए फाइट मारनी पड़ेगी। अबे क्या होगा, उसमें क्या पता कितना टाइम लग जाए, क्या पता 2.5 साल और लग जाए, क्या पता 3 साल लग जाए, होने को तो शायद 1 साल में भी हो जाए। एंड मेरा उस टाइम पे मैंने ओयो में इंटरव्यू दिया और मेरा वहां पे हो गया, तो मैंने ज्यादा कुछ और सोचा नहीं और मैं डायरेक्टली
ओयो में चला गया एंड ओयो भी पैसे अच्छे देती है। तो अगर कभी कोई मुझे पूछता है कि उन्हें अगर 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या उन्हें SDE 1 के लिए अप्लाई करना चाहिए अमेजोन में, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, अभी रुक जाओ तुम 6 महीने या 1 साल तो तुम डायरेक्टली SDE 2 के लिए अप्लाई कर पाओगे। SDE 1 और SDE 2 की सैलरी में काफी डिफरेंस होता है। सो दैट्स माई ओपिनियन, दीज आर नॉट फैक्ट्स, जस्ट माई ओपिनियन, क्या पता कोई और आपको कुछ और बताए। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ज्वाइन my telegram group. Until next time, goodbye, keep practicing and stay safe.